हेलो एवरीबॉडी, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ खेल खेल में। तो तुम्हें पता ही नहीं है ओरिजिनल खेल खेल में नहीं है, अक्षय कुमार वाली नहीं, असली ओरिजिनल खेल खेल में जिससे ये रीमेक हुई है वो है एक इटालियन मूवी जिसका नाम है परफेक्ट स्ट्रेंजर्स। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं पूछना चाहूंगा तुम्हें क्या लगता है इस मूवी के जो तुमने देखी, ये इसके कितने रीमेक्स हुए हैं? कोई भी वाइल्ड गेस मारो, क्या पता तुम तुक्का मार दो सही से। तो चलो तुम्हें एक ऑब्वियस तो नहीं बट गेस करने को तुम तो 26 के बाद जो आता है और 28 के पहले जो आता है उतनी बार रीमेक हुई, लिटरली 27 बार रीमेक हुई ये मूवी। और मानो या ना मानो इंडिया में ये 3 बार हुई है। और ये भी अजीब नहीं है, इंडिया में जो 2 बार पहले हो रखी है वो एक ही साल में 2 बार हुई है अलग अलग लैंग्वेज में। हाँ तो हाँ, मैं 2022 की बात कर रहा हूँ। एक बार वो हुई थी 15 फेब में और एक बार वो हुई थी 25 दिसंबर में। तो मैं इसके ओरिजिनल विकीपीडिया पेज पर मिल जाएगा कि कितनी बार कहाँ कहाँ रिलीज हो रखी है और किस किस नाम से रिलीज हो रखी है, रीमेक बन रखे हैं सॉरी। तो मूवी जो हमने देखी खेल खेल में वो ओरिजिनली क्या होती है तो तुम्हें बताना चाहूँ मैं इस मूवी के रेफरेंस में। तो तुम्हें एक बहुत ही अनसेचुरेटेड और बहुत ही मिक्स करी हुई चीज़ मिली है, क्योंकि जब मैंने ओरिजिनल चीज़ देखी ना तब मेरे को लगा इंडियंस ये जो डिजर्व नहीं करते थे। मतलब हमें पता क्या मिला है, हमें मिला है एक मूवी जिसमें जो मेन टॉपिक्स होते हैं उनको थोड़ा लाइट हार्टेड कर दिया गया है, मिर्च मसाला डाल दिया बॉलीवुड वाला, और ताकि ऑडियंस को ना थोड़ा मजा आए। पर ऑडियंस देखने ही नहीं गई, सीरीज देख रही ऑडियंस। तो चलो मैं तुम्हें परफेक्ट स्ट्रेंजर मूवी के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। तो इटली में ये मूवी सिचुएटेड है कि इटली में एक दिन जैसे एक फुल मून नाइट या ब्लू मून नाइट होती है उस दिन, तो उस दिन सभी लोग एक दोस्त के घर पर ग्रीटिंग करते हैं, जो कि हम मेन अपनी खेल खेल में से अगर रिजेम्बलेंस निकालना चाह रहे तो कह सकते हैं कि अक्षय कुमार वाले कैरेक्टर के घर पे मीटिंग होती है, वो मतलब मीट एंड ग्रीट होता है जिसमें सब डिनर पे मिलते हैं और फिर वहीं से बातचीत स्टार्ट होती है। और फिर जो उसकी बीवी है वो कहती है कि चलो एक गेम खेलते हैं, सबके फैमिलीज में कौन कॉम्प्लिकेशन चल रहे होते हैं। बट जो कि ओरिजिनल मूवी सबसे अच्छा करती है वो है अपनी मूवी के जो प्लॉट है ना उसके साथ बहुत ऑनेस्टी रखती है। मतलब वो कहीं पे भी तुम्हें देखो, एक तो गाने तो तुम छोड़ दो, गाने तो होते ही नहीं उनकी मूवीज में, बट जो होते हैं ना इंटेंसिटी बिल्ड करने के लिए म्यूजिक बहुत तगड़ा होता है वो। तुम ओरिजिनल मूवी देखोगे ना, मैंने पर्सनली सबटाइटल्स के साथ देखी क्योंकि मेरे को डब्ड कहीं अवेलेबल मिला नहीं, और टू बी ऑनेस्ट वर्थ इट था वो मैंने जो सबटाइटल्स में देखा, क्योंकि जो एक होती है ना मैच्योर स्टोरी लाइन जो तुम सुनते आ रहे हो वो ये है। तो परफेक्ट स्ट्रेंजर बिल्कुल जैसे कि जो कि इसका रीमेक है खेल खेल में उसी की ओरिजिनल मूवी है, तो जो प्लॉट है वो सेम ही है। तो क्योंकि जो इसमें स्टोरी दिखाई गई है उसमें बहुत ज़्यादा कभी कभार वो बिजार हो जाती है, तो जैसे हमारे खेल खेल में फरदीन खान का कैरेक्टर है, इसमें जो कैरेक्टर है उसको बहुत ही ऑनेस्टी से दिखाया गया है। मतलब तुम्हें एक टाइम को लगेगा कितना ब्रूटल जा रहे हैं, जैसे इसमें एक सिर्फ मोनोलॉग के साथ दिखा दिया गया है सिर्फ इतना ही, बट जो ओरिजिनल मूवी में उसमें दिखाते हैं ब्रूटली के उसके दोस्त उसको कैसे कि उसके दोस्त उसको कितना अशेम कर रहे होते हैं, और फिर जब उन्हें हिट करती है कि कुछ बड़ा हुआ पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो परफेक्ट स्ट्रेंजर मूवी का प्लॉट बिल्कुल सेम स्टार्ट होता है कि एक रात डिनर टेबल पे सब लोग अपने फ़ोन रखते हैं और वही एक दोस्त अपना फ़ोन को एक्सचेंज कर लेता क्योंकि उसके फ़ोन पे किसी की 12 बजे कुछ फोटोज आती थी, क्यों आती थी वो मूवी में पता चलेगा। और भी जो चीज़ें हो रही थी जो अलग अलग पता चलता है कि किसी को क्या पसंद है किसी को क्या पसंद है, कुछ कुछ तो सेम चीज़ें ही उठा के इसमें डाल दी गई हैं कि मेहनत भी नहीं करी ये कह सकते हो, बट वो ये कि अगर ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं तो ख़राब कर देते हैं और अच्छी कम मेहनत करते हैं तो ऐसा लगता है बिल्कुल ही कॉपी हो गया है। तो जब ये मूवी में इतना सब होता है उसके बाद जो ओरिजिनल पत्ते खुलने चालू होते हैं मूवी में परफेक्ट स्ट्रेंजर में, उसके बाद बिल्कुल ही एक ब्रूटल ऑनेस्टी के साथ हमें कैरेक्टर्स दिखते हैं, और फिर एकदम से जब सब ड्रॉप होने वाला होता है तो मूवी अपने कैरेक्टर्स को ट्रूली हमारे को स्क्रीन पे दिखाती है। और जो रिलेशन है जो तुम्हें लगता है कि हमारे सामने थोड़े ब्लरी होते जा रहे हैं रियल लाइफ में, इसमें पता चलेगा कि क्या होता है असली चीज़ें जो ख़राब होनी चालू होती है ना। और फिर मूवी एक बहुत ही अच्छा टर्न लेती है, मुझे नहीं पता कि इटली में क्या माना जाता है उस ब्लू मून नाइट या फुल मून नाइट को, बट ऐसा दिखाया गया है मूवी में कि जैसे ही ये सब लड़ाई हो जाती है बिल्कुल क्योस हो जाता है, उसके बाद जो ट्विस्ट है ना वो इतना सिंपल एंड सटीक है कि जो जिस चांद को देखने आए थे उस दिन के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली ब्लू मून या फुल मून था कुछ स्पेशल था उस नाइट पे, जब वो उस पार्टी में से बाहर निकलते हैं एकदम से क्योस हो जाता है, तो गुस्से में बाहर निकलते हैं, बट हमें सीन दिखाया जाता है गेट से बाहर निकल रहे हैं और क्योस कुछ है नहीं, वो अच्छे से ग्रीट कर रहे हैं और
एक दूसरे को बाय करते हैं, सब खुशी खुशी अपने अपने घर चले गए, सबकी लाइफ नॉर्मल चलने लगी वापस से। बट जो इस मूवी का मेन एसेंस है वो पता चलता है इसकी कुछ डायलॉग से, कि एक होती है इंसान की पर्सनल लाइफ, एक होती है पब्लिक लाइफ, और एक होती है सीक्रेट लाइफ, जो कि किसी के सामने ना ही आए तो बेहतर है, क्योंकि पता नहीं वो किसके साथ रिलेशन में हो, और जिस साथ वो आज रिलेशन में वो उसके साथ हो ही ना, वो उसको चीट, वो उसको चीट कर रहा हो और किसी और के साथ रंगरेली मना रहा हो, किसी और के साथ अपना बच्चा प्ले मना रहा हो, जिसके साथ शादी करिए उसको चाहता ही ना। तो इतनी सारी ब्रूटल ऑनेस्टी के साथ अपने आपको मूवी फ्रंट फुट पे लेके आती, जिसकी वजह से मेरे हिसाब से मूवी इतनी ज़्यादा चली और 27 बार रीमेक बनवा दी अपनी मूवी के। तो हैट्स ऑफ टू डायरेक्टर, और जो मूवी है वो अच्छी है, वन टाइम वॉच है, तुम्हें देखनी चाहिए, तुम्हें अगर थोड़ा भी क्वालिटी सिनेमा पसंद है तो दिस इज क्वालिटी सिनेमा फॉर यू माय फ्रेंड। तो हाँ, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना, बुरी नजर से दुरुस्त रहना, और हाँ चिंता मत करो, ऐसे ही अलग अलग अतरंगी अंडररेटेड चीज़ें मैं तुम्हारे लिए लाता रहूँगा, और तुम देखने का काम करो बस, गुरु लोग तुम्हें हर ऐसी चीज़ दूंगा जो तुम्हें मजे देगी। बाय बाय।